किरीट सोमय्या यांनी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले ते सर्व भाजपमध्ये येऊन बसले आहेत. त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप कोणीही सिद्ध केले नाहीत किंवा त्यांना कोणी जेलमध्ये देखील टाकले नाही. आम्हाला कितीही थांबवण्याचा किंवा अडवण्याचा प्रयत्न केला तरी सत्य कधीच लपून राहणार नाही, असं म्हणत खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी प्रतिक्रिया दिली. मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि क्योंकि संजय राव जी प्रखरता से इन लोगों का सही चेहरा दिखा रहे थे, उनको बेनकाब कर रहे थे, विपक्ष के सारे नेतागण जो उनसे चिढ़े हुए हैं, जो जानते हैं कि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने मिलकर ये जो हरकत की है वो देश के सामने दिख रहा है. ये वो किरीट सोमय्या है जिनका वीडियो आप सभी ने देखा होगा. ये वो किरीट सोमय्या है जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप बहुत लोगों पर लगाया, फिर वो सब आकर बीजेपी में बैठे हैं या उनके साथी बनकर बैठे हैं. तो अब तक उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो साबित नहीं कर पाए हैं या उनको जेल नहीं पहुंचा पाए हैं, पर जो उन्होंने काम किया है संजय राव जी को लेकर वो यहाँ की जनता देख रही है. वो देख रहे हैं किस तरीके से उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की जो पार्टी है उभर कर आ रही है, सरकार बनाने वाली है, तो उनको रोकने का काम किया जाए. पर ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी हमें रोकने की कोशिश कर लें, सच्चाई छुप नहीं सकती है. पिक्चर हमने देख अपने ट्रेलर देख चुके हैं, पिक्चर अभी बाकी है. पहले भी जब संजय राव जी को गिरफ्तार किया था हाईकोर्ट ने ऐसा फटकारा था इन लोगों को, अभी भी जब ये हम लोग इनकी बेल की सुनवाई होगी या जो भी 15 दिन काट कर आएंगे तो जनता का जो समर्थन मिलेगा वो समर्थन हमें आने वाले समय में हमें विजयी बनाएगा, ये हमें पूरा पूरा यकीन है. मैं बात कहना है कि सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए और दफन भूमि की जगह उन्हें नहीं मिल रही है. मैं अक्षय शिंदे के परिवार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा. एक जो आरोपी है जिसने इतना बड़ा पाप किया है, उस पापी के परिवार के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी. जो पापी